थैंक यू धन्यवाद। पहले क्या था और अब क्या है? पहले को आपको क्या करते हैं, हमें 2000 कमाते थे, 1000 कमा रहे हैं, आधे को आधा कर दिया, 30 रुपीज पर ऑर्डर था, 15 कर दिए हैं। 21 ऑर्डर्स के 2400 रुपीज था, अब क्या किया, 31 ऑर्डर्स को 1400। मतलब अगर आपने 31 ऑर्डर पूरे किए फिर आपको 1400 रुपए मिलेंगे। आप सब हम स्कूटर चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो? गाड़ी चलाते हैं, अलग अलग कंपनी से हम। आपकी गाड़ी है या आपने खरीदी है या हमारी गाड़ी? सर लोन पे लिया। कितना लोन था? अच्छा, अगर मोटरसाइकिल को कुछ हो जाता है, टूट जाती है तो फिर इंश्योरेंस है आपका? नहीं है, नहीं रखते। किसी का ना दोस्त का ना मंगना, रिश्तेदार का ना मंग के गाड़ी करना। उसके भी, उसके लिए भी एक बार बीमार होने के बोलते हैं, पहले आप बंद दीजिए, वो 15-20 दिन के बाद वो पैसा आएगा, वो आएगा। लोन बहुत है, सबका लोन है। यहाँ पूरा बेकारी आ गया, बिजनेस चले गया, GST आ गया, पूरा जो भी प्रॉफिट है हमारा गवर्नमेंट ही जा रहा है। कमाएंगे तभी तो। GST से आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ। GST ने जो छोटे बिजनेस वाले सबको मार दिया, बिजनेस हमें जो भी लाटा था ना, फ्रिज ग्रीज टीवी सब, वो GST आ जाकर हमारा माल ही नहीं आ रहा है। और कपड़ा जाके खरीदते हैं उसमें भी GST, क्या बेचेंगे? अब देखो इंदिरा कैंटीन में 5 रुपीज था, कांग्रेस थी ना, उससे फायदा हुआ था, बहुत फायदा हुआ था। आप 10 रुपीज डाल के खाना पूरा अच्छा खाना था, मैंने भी खाया था, अच्छा था। अभी 10 रुपीज बना दे और खाना भी बराबर नहीं, ये गवर्नमेंट आ गई है। नहीं तो पहले कांग्रेस का था ना, इंदिरा कैंटीन बहुत अच्छा था। वो इंदिरा कैंटीन मेरा आइडिया था, बहुत अच्छा है खाना, मेरा आइडिया था। हाँ कांग्रेस थी तब अच्छा था, अब कहाँ है, लेट हो गया अगर तो खलास इनसे डेप जाएगा, पूरा काम जाएगा। दाल जो कमी थी वो उसका, जो हम लोग दाल खाना खाते थे उसका भी रेट बढ़ा दिया। इधर कमाओ, इधर बच्चों के स्कूल में डालो, यहाँ भी फायदा उनको, यहाँ भी एडुकेशन में फायदा, चारों तरफ से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। सेकेंड ईयर अभी, सेकेंड चैनल अभी पास करके सेकेंड में जाइए, अभी मेरे को 40,000 रुपये। ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारे मिडिल क्लास का आदमी भी आराम से पढ़ा सके। अच्छा, जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो जो ऑर्डर करते हैं उनका बर्ताव आपके साथ कैसा होता है? अच्छा होता है, खराब होता है? 20% गुड, अच्छे कस्टमर जूस जूस देते हैं, जूस देते हैं, हाँ ये 20% है अच्छे, 20% पीपल आर गुड, मतलब तमीज से बात करते हैं, 20% वाले। बारिश से भीग के गया था कस्टमर के डिले में गए, वो एक मैडम थे, अंदर बुलाया कि मतलब कॉफी लीजिए पहले आप, बाद में ऑर्डर। तो हमको खुशी है, चलो अभी इज्जत करने वाला हमारा भी है। 20% गुड सर। हमारा आगे फोन किया तो मैं आपके लोकेशन पर, तो वो बोलता मैं बाहर वेट करो हाफ एन आवर 40 मिनट वेट करते हैं, घर पर जाके वो आएंगे तो इसे। मतलब आपके समय की कोई कीमत नहीं है? नहीं, ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं ना। हाँ। वो ऑर्डर अगर दे नहीं पाए, वो कस्टमर कैंसिल कर रहे तो हमें कैंसिल करना पड़ता है, वो कैंसिल नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि लेट हो गया, एक 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो गया तो भी कैंसिल करना पड़ता है। अगर हम कैंसिल किए तो वो हमारा आईडी ब्लॉक कर देते हैं सर। हाँ सर, हम अभी आईडी ब्लॉक करने से क्या होता है, हमारा ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो एक वीक में आपका कितना पैसा बनता है? कभी 7-8, 5 मैं कम आदमी हसलो करता हूँ। मैक्सिमम कितना बन सकता है? 10 उतना। अगर अगली कर्नाटक की सरकार को आप जो डिलीवरी करते हो आपके लिए कुछ करना है तो दो सबसे जरूरी कदम कौन से होंगे? रिसेंटली तो पहले कैसा था वैसे आने है सर, 10 ऑर्डर दिए तो एक ऑर्डर के ऊपर पहले 60 रुपीज मिलता था, तो अभी 30 रुपीज 25 रुपीज मिलता है एक ऑर्डर पे, तो उसमें पूरा लॉस आता है। एजुकेशन सर, बच्चों की एजुकेशन फर्स्ट। ऐसे करेंगे जब यहाँ सरकार बनेगी और फिर कोई ना कोई मतलब स्ट्रेटजी निकालेंगे आपके लिए, तरकीब निकालेंगे। कांग्रेस सरकार आई है तो ऑटोमेटिक पूरा सही होगा? नहीं, ऑटोमेटिक पूरा नहीं होगा, वो करना पड़ेगा क्योंकि ध्यान सबको देना पड़ेगा। भरोसा है कि हो जाता है, आप बात की बनाओ, मगर देखो नियत साफ है, सही है, मगर तब भी समझ तो होनी चाहिए ना भैया, आपके आपकी मुश्किल क्या है, आप चाहते क्या हो, तो वो बातचीत करनी जरूरी है।